चमोली जिले में नववर्ष के शुभारंभ पर आज जिला मुख्यालय गोपेश्वर सहित कई नगरों में जैविक पहाड़ी उत्पादों का साप्ताहिक बाजार लगाया गया है। जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय काश्तकारों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। इस साप्ताहिक बाजार में दूर दराज से काश्तकार अपने स्थानीय उत्पादों को लाकर यहां उन्हें अच्छे दामों पर बेच रहे हैं। लोगों को यहां मंडवे की रोटी, बिस्किट, झंगोरे की खीर, गहत के पराठे, भट्ट की चुटकानी, चौलाई के लड्डू जैसे पहाड़ी व्यंजन भी काफी भा रहे हैं। संडे मार्केट में आए स्थानीय काश्तकारों का कहना है कि उन्हें यहां उत्पादों के अच्छे दाम मिल रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जैविक खेती करने वाले किसान समूहों और बायर्स के बीच सीधा संवाद कराया जा रहा है। इससे किसान आसानी से उचित दामों पर अपने उत्पादों का विक्रय कर पा रहे हैं। दो तीन स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं। पहला तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जो संडे मार्केट है उनको लगाया जाए, और हमारा जो संडे मार्केट अभियान है वो जोशीमठ ब्लॉक में, गोपेश्वर में शुरू भी हो गया है, बाकी ब्लॉक में भी हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारी गवर्नमेंट स्तर पे जो मीटिंग्स होती हैं, हमारी डिपार्टमेंटल मीटिंग्स होती हैं, उसमें प्रयास है कि हम स्थानीय उत्पाद को शुष्क जलपान इत्यादि के रूप में परोसें। और हमने एक और प्रयास किया है जो बड़े स्तर पर किया है कि जो बाहर के व्यवसायी हैं उनसे यहां के किसानों की एक मीटिंग कराई है जिसको हम बायर सेलर मीट कहते हैं, और उस मीटिंग में किसान डायरेक्ट बायर के संपर्क में आया है और उनका अपना टाई अप भी हुआ है।